ऑनरेबल एमपी दीपेंद्र उद्दा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी ने या खरोगे ताई चीनी सीएम डिप्टी सीएम कहां पे सुनाई नहीं पड़ रहा है मैं यहाँ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सब लोग को। हमेशा कहा गया है कि त्रिपुरा बहुत दूर में है, दिल्ली से बहुत दूर है त्रिपुरा, और कोई त्रिपुरा के बारे या नॉर्थ ईस्ट के बारे इतना परवाह नहीं करता है क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर है। लेकिन कल आपने देखा कि एमपी जो लोकसभा में है राज्यसभा में है उन्होंने जंतर मंतर में आकर तिपरा मोथा आईपीएफटी और हमारा जो जॉइंट मूवमेंट है उसको समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बात बोला था कि जंगल में नाचेगा मोर तो किसने देखा, आज पूरा इंडिया देख रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र हमारे दोस्त आज भी आए हैं इस मंच में। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो मूवमेंट है क्या है। त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राजधानी है, एक ऐतिहासिक किंगडम था। 1949 में त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना। उस समय जो हमारे तिपरासा इंडिजिनस लोग थे, जो भूमि पुत्र हैं, वो 90% थे, संख्या हमारी थी, राज्य हमारा था और ये स्वाधीन त्रिपुरा का कहा जाता था। आज 70 साल बाद हमारी संख्या सिर्फ 30% हो चुकी है। आज हमारा भाषा कॉकबोरोक खतरे में है, आज प्रशासन हमारे साथ नहीं है, आज मीडिया हमारे साथ नहीं है, जुडिशरी में कोई तिपरासा दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर से। आज पूरा जो व्यवस्था है जो सिस्टम है उसमें तिपरासा को छोड़कर बनाया गया है त्रिपुरा में। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर हरियाणा से कोई आए या आसाम से कोई आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कर्नाटका महाराष्ट्र से कोई त्रिपुरा में आए। आप भी हिंदुस्तान के हैं, हम भी हिंदुस्तान के हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश से अगर लोगों को बैठाया जाए और उनको हाथ में उनके हाथ में 70 साल से प्रशासन दिया जाए तो ये हमारे इंडिजिनस तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। और आज जो हमारा ये आंदोलन जिसमें कोई पार्टी को नहीं देख रहा है, सिर्फ जाति को देख रहा है, आज ये जो आंदोलन है ये देश के हित के लिए है, ये त्रिपुरा के हित के लिए है, ये हिंदुस्तान के हित के लिए है। हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपने ये जो डिमांड किया है उसमें आप क्या चाहते हैं। आज यहां में हमारे संग मुनीष तमांग जी भी है, कहां मुनीष यहां में, गोरखा भी डिमांड कर रहा है अपने लिए राज्य। कोई पूछ कोई बोल सकता है कि गोरखा देश के खिलाफ है? आज सबसे ज्यादा सेना में अगर कोई है तो वो हमारा गोरखा है। आज यहां में तिरंगा भी लहराया जा रहा है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। यहां में हमारे भाई हैं दीपेंद्र जी, मेरे संग बहुत पुराने समय तक हम लोग एक ही पार्टी में रहे, लेकिन जो
दीपेंद्र जी है वो जाट है, जाट भी एकदम हमारे पिपरासा जैसा है, इमोशनल होता है। और जब जाट अपना माइंड मेकअप करता है, जब पिपरासा अपना माइंड मेकअप करता है, तो कोई भी इंडिया में हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर एकता थानसा है। और आपने देखा होगा, एक साल तक दिल्ली को बंद करके रखा, लेकिन किसान का बिल इन्होंने वापस लिया। हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए इनसे कि जो वॉरियर लोग होते हैं ना, जो जो जमीन में राज करते हैं ना, जो झगड़ा कर सकते हैं, जो फाइट कर सकते हैं, उनके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए। और यहाँ में इनका दिल बड़ा है, ये आए हैं। हमारे आसाम के एमपी आए हैं सरनिया जी, इनका भी एक एक आइडियोलॉजी है कि आंचलिक पार्टी, रीजनल पार्टी। अगर हम अपने रीजन के बारे बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे बात करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, और जब तक रीजनल पार्टी अपने जाति और अपने लोगों के बारे बात करेगा, तब तक दिल्ली भी हमारा बात सुनेगा। जिस दिन हम अलग अलग होकर बात करेंगे, आज उनके दिल में एक दर्द रहता है और दर्द दिखता है। हमारे भाई प्रद्युत बर्मन जी, सभी सम्मानित मंच, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा, मगर यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, आसाम से मंत्री बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं। सबसे पहले तो आज आपके बीच में पहुँच के जो आपने मान सम्मान दिया, मैं आप सबका हरियाणा की तरफ से और देश की संसद की तरफ से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँच के मान सम्मान। मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहने आया, मैं आज आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आपकी बात सुन के सही जगह पे आपकी बात में पहुँचाने का प्रयास करूँ। मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी लंबा तजुर्बा हो गया, चौथी बार देश की संसद में पहुँचने का मुझे अवसर मिला है, और पिछले 16-17 साल से देश की संसद में मैं एक सदस्य हूँ। और जब सांसद होते हैं तो तमाम राष्ट्रीय आंदोलन, जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक, रामलीला ग्राउंड से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक, जो सिंगू टिकरी बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, उन आंदोलनों में जाने का भी अवसर मिलता है, आंदोलनकारियों से बातचीत का भी अवसर मिलता है, उनकी बात को, भावना को समझने का भी अवसर मिलता है। मैं आप लोग का अभिनंदन करूंगा कि इतने लंबे मेरे राजनीतिक सफर में, 17 साल के सांसद के एक सफर में, मैंने आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का ज्वलन, इतनी बड़ी हाजिरी के साथ कोई आंदोलन यहाँ जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे या दिल्ली में, पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैंने नहीं देखा है। तो आज इससे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी बात से आकलन की जा सकती है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। सही कहा कि हरियाणा, हरियाणा का मिजाज और त्रिपुरा का मिजाज एक सा है, ये सही कहा। हमारा भी प्रदेश पहले जॉइंट पंजाब था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन के बाद, हरियाणा एक हिंदी मूवमेंट चली और हरियाणा प्रदेश अलग बना। और ये भी सही कहा कि कोई भी लक्ष्य हो, प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्रिक रास्ते पे चल के संघर्ष और आंदोलन के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और इस मौके पर जो उदाहरण दिया
मैं भी देश के अन्नदाता और किसान को नमन करता हूं जिन्होंने पिछले एक साल से जो आंदोलन चलाया, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उस आंदोलन ने इतनी अहंकारी सरकार, दिल्ली की सरकार को झुकाने का काम किया और तील काने कानून कृषि के सरकार को वापस लेने पड़े। वो तभी संभव हुआ जो एक संघर्ष हुआ, एक कुर्बानी हुई। तो आप लोग भी कर रहे हैं। आज मैंने सारी आपकी भावना को समझा है, देखा है, और मैं आपकी भावना को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक विस्तार से आपकी भावना को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा, जैसी बात प्रद्युत जी के साथ बहुत पुराना एक नाता, एक रिश्ता है, ये संबंध बनाने और संबंध निभाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत कम व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से होते हैं जो दिल से सम्मान एक दूसरे का करना और संबंध को निभाना जानते हैं। तो आपने जैसी आपकी जो उम्मीद है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी आपकी बात पहुंचाई जाएगी प्रद्युत जी, और संसद के अंदर भी आपकी आवाज़ पहुंचाई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आज इतना जो आपने सबने मान सम्मान दिया मैं धन्यवाद करता हूं। और कभी आवश्यकता पड़ी, आप कभी हरियाणा आए, तो ये जो आज मान सम्मान मिला है, इस मान सम्मान को दुगना करके हरियाणा के अंदर आपको देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।